सो फ्रेंड्स, आजकल ना ऑरेंजेस सीजन में है और मार्केट जाके मैंने देखा कि एक तो बहुत ज़्यादा ऑरेंजेस आ रहे हैं मार्केट में और दूसरी चीज़ सस्ते भी बहुत ज़्यादा हैं। तो भाई हम भी काफ़ी सारे ऑरेंजेस लेकर के आ गए। अब यूज़ होते हैं ऑरेंजेस तो छिलके तो छील करके फेंक दिए जाते हैं। तभी मुझे अचानक से आइडिया आया कि हम क्यों फेंक रहे हैं ये सारे छिलके। इन ऑरेंज के छिलकों से तो कितनी ज़्यादा टेस्टी कैंडी बनती है, जिन्हें हम कैंडिड ऑरेंज पील भी कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आती है और बड़ी हाई फाई शॉप्स में मिलती है। आज के इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ ये ऑरेंज के छिलके जो हम फेंक देते हैं ना, उनसे बनने वाली बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी ऑरेंज कैंडी की रेसिपी, जिसे हम सिर्फ एक इंग्रेडिएंट से बनाने वाले हैं। ना घंटों सुखाना पकाना, मिनटों में बना के तैयार कर लेंगे ये हम ऑरेंज के छिलकों की कैंडी और महीनों तक स्टोर करके रखने वाले हैं। सो हाय एवरीवन, मैं हूँ शिवांगी और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्लासी बाबा किचन में। तो चलिए जी फ्रेंड, शुरू करते हैं कैंडीज बनाना, क्योंकि ऑरेंज के छिलकों की कैंडी, इसलिए हमें सबसे पहले तो ऑरेंजेस चाहिए। तो या तो ऑरेंज या फिर किन्नू, जो भी आपके यहाँ पे अवेलेबल हो वो ले लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इनमें से ना तीन ऑरेंजेस सबसे पहले मैंने लेकर के रखे हैं। तो फ्रेंड्स, ये बड़े साइज़ के तीन ऑरेंजेस जो है ना, सबसे पहले आपको इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से वॉश करना है, यानी कि धुल करके रखना है। लेकिन फ्रेंड्स, इतने ज़्यादा केमिकल्स आते हैं ना फ्रूट्स में कि बस केवल नॉर्मल पानी से धुलना काफ़ी नहीं है, इसलिए इसकी गंदगी को पूरी तरीके से साफ़ करने के लिए मैंने बेकिंग सोडा लिया हुआ है, खाने वाला सोडा होता है बेसिकली ये, और थोड़ा सा प्लेट में डाल लिया है और इसी से मैं रगड़ रही हूँ इन ऑरेंजेस को। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ऑलरेडी वॉश किए हुए ऑरेंजेस हैं तो हल्का सा पानी में लगा है, तो पानी और सोडा मिल करके रगड़ करके ये जो जितनी भी डर्ट है या फिर गंदगी है ऑरेंज के छिलकों के ऊपर, वो सारी हट जाती है इससे। और फ्रेंड्स, क्योंकि आजकल बहुत ही गंदगी आती है फ्रूट्स वगैरह के छिलकों में लगी हुई, इसलिए ये वाला स्टेप जनरली मैं ज़रूर करती हूँ। इससे क्या होता है कि प्रॉपर क्लीनिंग हो जाती है। फ्रेंड्स, बच्चे खाएं बड़े खाएं, कम से कम हाइजीन का ध्यान तो मतलब रखना ही रखना है हमें जब कोई कुकिंग करेंगे तब। तो ये देखिए, अच्छे से रगड़ के हमने ये ऑरेंजेस रख लिए हैं और अभी हम क्या करेंगे, साफ़ पानी में इनको सबसे पहले अच्छे से रगड़ के धो लेंगे। मतलब जो बेकिंग सोडा है ना, उसके पार्टिकल छिलकों में रहने नहीं चाहिए, क्योंकि बेकिंग सोडा ने अपना काम कर दिया है क्लीनिंग करके। इसके बाद फ्रेंड्स, ये पानी हटा दीजिए, दूसरा पानी लीजिए और बोल में इतना पानी डालिए कि तीनों ऑरेंजेस भीग जाएं, मतलब डिप हो जाएं। और अभी इनको 5 मिनट के लिए इसी तरीके से रख करके छोड़ दीजिए। अभी फ्रेंड्स, मैंने लिया है एक पैन और इसमें करीब 1/2 लीटर पानी होगा मैंने डाल दिया है, और मीडियम आँच करके हमने इसको उबलने के लिए रख दिया है। दूसरी तरफ फ्रेंड्स, क्योंकि 5 मिनट हो गए हैं, इसलिए मैंने ऑरेंजेस को थोड़ा हल्का सा रगड़ा है फिर से और पानी से बाहर निकाल लिया है। अब फ्रेंड्स, ये बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो चुके हैं और आप इनका जो छिलका है ना, खाने के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इनकी थोड़ी सी चॉपिंग सी करेंगे। चॉपिंग इन द सेंस, हम इनके छिलके को ना, ऑरेंज के छिलके को बिल्कुल सही तरीके से निकालेंगे, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं कैंडिड ऑरेंज पील जो शॉप्स में मिलते हैं, जो बिल्कुल बिल्कुल सेम शेप एंड साइज़ के होते हैं लंबे लंबे। तो इसके लिए ऑरेंज के जो दोनों साइड्स आगे और पीछे वाले होते हैं, उनको आपको वीडियो में दिखाए गए तरीके से कट करना है। उसके बाद साइड में आपको 4 स्लिट्स लगाने हैं। अब फ्रेंड्स, ये सुपरफिशियल कट्स हैं, मतलब कहने का कि अंदर जो ऑरेंज का पल्प है उसमें ये टच नहीं कर रहे हैं, ये केवल ऑरेंज के छिलके को कट कर रहे हैं जो आपने कट लगाए हैं। और इन 4 कट्स को लगाने के बाद इसी कट्स से होते हुए आपको इनको छील लेना है। तो अब आप क्या देखोगे कि बिल्कुल सही शेप में इनका छिलका निकल करके आया है। तो इससे क्या होगा कि भाई ऑरेंज की कैंडीज बनाने में जो आप स्ट्रिप्स बनाओगे ना, वो बड़ी सेम शेप एंड साइज़ की निकलेंगी, तो अच्छी लगेंगी देखने में। अब सेम तरीके से आपको ऑरेंज के छिलकों को छील लेना है, तीनों ऑरेंज के छिलकों को। और वैसे फ्रेंड्स, थोड़ा टेढ़े मेढ़े भी छिलके होंगे तो काम चलेगा, जस्ट दैट बराबर होंगे तो दिखने में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसी कैंडीज़ का लुक आता है। तो फ्रेंड्स, ये छिलके तैयार हो चुके हैं और जो ऑरेंज अंदर वाले बचे हुए हैं, अभी उनको साइड पर रख दीजिए, उनका अभी हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो अभी तक आपने जो उबलने के लिए पानी रखा था ना पैन में, वो अच्छे से उबलना शुरू हो चुका है, और इसलिए हमने जो भी ऑरेंज के छिलके निकाल कर रखे हैं सारे के सारे पानी में डाल दिए। हल्का सा इनको चलाया आपने और अभी आपको हल्का सा मिक्स करना है और इसे कम से कम 6 से 7 मिनट तक उबालना है। जी हाँ फ्रेंड्स, 6 से 7 मिनट्स, इससे ज़्यादा ना कीजिएगा, ज़्यादा करेंगे तो दिक्कत होगी, मतलब ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाएंगे ये। और इसी तरीके से इनको छोड़ दीजिए। अब फ्रेंड्स, 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, मैंने गैस ऑफ कर दी और ये देखिए कितने सॉफ्ट से दिखाई दे रहे हैं, और जो इनका एक तरफ का वाइट वाला पोर्शन था वो भी मतलब ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट जैसा हो गया है। तो अभी तुरंत ला करके आपको इसे छान देना है छन्नी से, और जो इसका बचा हुआ पानी आप देख सकते हो, नेचुरली ना इसमें येलो कलर सा आ रहा है, तो नेचुरल डाइंग के लिए यूज़ किया जाता है ऑरेंज के छिलकों को। खैर फ्रेंड्स, इसके बाद छन्नी में ही हमने बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी डाल दिया है ऑरेंज के छिलकों के ऊपर, जिससे कि इनकी कुकिंग रुक गई है इमीडिएटली, है ना।
और हल्का सा टेम्परेचर भी इनका ठंडा हो गया है। अभी फ्रेंड्स मैंने यूनी रैप लिया है जो कि हर तरीके की फूड को रैपिंग करने के लिए बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, कई बार आप इसको यूज़ कर सकते हो, स्टिक रेजिस्टेंट है, खाना बहुत फ्रेश रहता है इसमें। तो मैंने अभी यूनी रैप ले करके इसके ऊपर जो ऑरेंज के पील्स हैं हमारे उनको डाल लिया है और 5-7 मिनट के लिए इसी तरीके से हम इनको छोड़ देंगे, जिससे कि इनका पानी जो है ना हल्का सा रिंस हो जाएगा, थोड़े से सूखे से हो जाएंगे हल्के हल्के। अब फ्रेंड्स 5 मिनट बाद ही हमने छिलकों को फिर से वापस लिया है और इस बार ना फ्रेंड्स जो अंदर का वाइट वाला पोर्शन है ना ऑरेंजेस का, जो अभी तक काफ़ी ट्रांसपेरेंट के जैसा दिख रहा है, उसको आपको निकालना है, क्योंकि यही है जो कड़वाहट लाता है ऑरेंज के छिलकों में। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत बार आपने देखा होगा कि ऑरेंज कैंडीज जो है ना वो कड़वी हो जाती है, अगर आप घर पे भी बनाते हो या बाहर से भी लेकर के आते हो, तो ये जो वाइट पोर्शन है ना इसमें होती है कड़वाहट, जो ऊपर का ऑरेंज का ऑरेंज वाला हिस्सा है ना उसमें ज़्यादा कड़वाहट नहीं होती है। तो वीडियो में दिखाए गए तरीके से हम सारे छिलकों से ये वाइट वाला पोर्शन निकाल लेंगे, जिससे कि हमें केवल छिलकों का ऑरेंज वाला पोर्शन मिलेगा। साथ ही फ्रेंड्स आपसे ये रिक्वेस्ट भी है कि अगर आज की वीडियो आपको पसंद आ रही हो, यूज़फुल लग रही हो सीजनल रेसिपी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने क्लासिक वर्क किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, इसी तरीके की इंटरेस्टिंग और नई नई रेसिपीज़ के लिए बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। सब्सक्राइब बटन के राइट साइड में होता है, उसमें ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि मेरे सारे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारे के सारे ऑरेंज से हमने व्हाइट वाला पोर्शन निकाल करके अलग कर लिया है और अभी ये आगे की प्रोसेस के लिए तैयार है। तो अब आगे की प्रोसेस मतलब आपको इनको स्ट्रिप्स में कट करना है, जैसे कैंडीड ऑरेंज पील्स होते हैं ना मार्केट में मिलने वाले। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं करिएगा, बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं करिएगा, मतलब थोड़ा मीडियम इनका आप साइज़ रखिएगा। और ये देखिए चॉपिंग करनी शुरू करनी है और इसी तरीके से आपको सारे ऑरेंज के पील्स की जो स्ट्रिप्स हैं वो कट कर लेनी है। अब साथ ही फ्रेंड्स कुछ एक ऑरेंजेस के छिलके होते हैं ना वो नेचुरली बहुत ज़्यादा, और फ्रेंड्स ऐसा ना मैं एक एक्सपीरियंस के बाद बोल रही हूँ, कहने का मतलब फ्रेंड्स जब हमारी पोस्टिंग नागपुर में थी, आप तो जानते हो नागपुर में ऑरेंजेस बहुत होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑर्चर्ड मतलब संतरों के बाग भी बहुत सारे हैं, तो वहाँ पर हमें पता चला था कि कुछ एक ऑरेंजेस होते हैं ना उनके जो छिलके हैं वो नेचुरली इतने ज़्यादा कड़वे होते हैं कि मतलब उनकी कड़वाहट निकालना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि ऑरेंजेस भी बहुत सारे तरीके के होते हैं। एक होते हैं कागजी वाले जिनका बिल्कुल ही पतला छिलका होता है, एक होता है मोटे छिलके वाले, किन्नू अपना अलग वैरायटी हो गई। खैर फ्रेंड्स बातों बातों में ये देखिए सारे ऑरेंजेस की स्ट्रिप्स कट करके तैयार हो चुकी हैं, और स्ट्रिप्स तैयार होने के बाद अभी फ्रेंड्स जो हमने ऑरेंजेस के अंदर का हिस्सा रखा हुआ था ना उसमें से मैंने 2 ऑरेंजेस लिए हैं, कट किए हैं, और इनका मैं अभी जूस निकाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स जूस मुझे केवल आधा कप चाहिए, तो मैंने क्योंकि हाथ तो साफ थे ही, किचन में काम करते हुए हम सभी अपने हाथ साफ ही रखते हैं, तो अभी मैंने स्क्वीज़ करके इसका जूस निकाल लिया है। और फ्रेंड्स ये मुझे लग रहा है आधा कप से शायद ज़्यादा होगा, ये देखिए फ्रेंड्स आधा कप मैंने ले लिया जूस, थोड़ा सा बचा मैंने हटा दिया है। तो अभी फ्रेंड्स मैंने लिया है यहाँ पे एक पैन, ये अगारो का हनीकॉम पैन है, जिसे आप स्टिक रेजिस्टेंट बर्तन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स इसमें चिपकती नहीं है चीज़ें, बहुत हैवी है, स्टर्डी है, हर तरीके की कुकिंग के लिए परफेक्ट है, सुंदर तो बहुत है ही। तो इसमें मैंने डाला है अभी आधा कप फ्रेश ऑरेंज का जूस, साथ डाली मैंने 1 कप चीनी, साबुत चीनी है फ्रेंड्स ये, और साथ ही 1 कप और 1/4 कप पानी, 1/4 कप पानी मैंने इसमें डाल लिया है, हल्का सा मिक्स किया, इसको हमने गैस के ऊपर रख दिया। और फ्रेंड्स मीडियम आंच में ना सबसे पहले आपको इसको चलाते हुए इसकी चीनी को घुलने देना है और पहला एक उबाल आने देना है। जैसे ही उबाल आता है फ्रेंड्स जो हमने ऑरेंज के छिलकों के स्ट्रिप्स कट करके रखे थे वो सारे के सारे डाल दीजिए पैन में, और अभी आपको इसे उबलने देना है। और फ्रेंड्स मीडियम आंच करके आपको इसे तब तक उबलने देना है जब तक कि ये जो चाशनी जैसी वो बिल्कुल गाढ़ी ना हो जाए, बहुत ही कम बचनी चाहिए ये, बिल्कुल थिक गाढ़ी और एकदम कम बचे। ऐसा करने से क्या होगा कि जो आपके ऑरेंज के पील्स हैं ना, जो छिलके अभी बिल्कुल सॉफ्ट से हो रखे हैं, वो बहुत सारी चाशनी सोखेंगे और थोड़े थोड़े हार्ड होने लगेंगे कैंडीज की तरह। तो फ्रेंड्स आई थिंक 15-20 मिनट हुए होंगे, हो सकता है कम या ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। और ये देखिए इतने बड़े बड़े बबल्स आने शुरू हो गए, तो मैंने गैस इसकी ऑफ की है, क्योंकि ये देखिए बिल्कुल कम चाशनी बची है अभी इन स्ट्रिप्स के साथ में, और फ्रेंड्स बस इतनी ही आपको बचानी है, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसको ढक करके 10 मिनट के लिए आपको इसी तरीके से छोड़ देना है, ताकि और ज़्यादा चाशनी है ऑरेंजेस की स्ट्रिप्स सोख लें। 10 मिनट के बाद फ्रेंड्स इसको मैंने छान लिया है छन्नी से, ताकि जो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बचा हुआ ऑरेंज का सिरप के जैसा है वो अलग निकल जाए, और जो हमारे ऑरेंज स्ट्रिप्स हैं वो हमें अलग मिल जाए। ये देखिए ये सिरप हमें निकला हुआ बचा मतलब मिला है,
जिसको आप बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं इसी को यूज़ करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ऑरेंज शिकंजी बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने ये 2 टेबलस्पून यही ऑरेंज सिरप डाला है ग्लास में, थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा नींबू का रस डाला है और इस पे मैंने पानी डाल करके मिक्स कर लिया है और फिर ऑरेंज के स्लाइसेस डाल लिए हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स मज़ेदार वाला ऑरेंज शिकंजी रेडी हो चुकी है। आप चाहो तो इसको आइसक्रीम के ऊपर डाल सकते हो, पैनकेक्स के ऊपर डाल करके खा सकते हो, बहुत टेस्टी होता है। वैसे भी थोड़ा ही बचा है। और दूसरी तरफ ये देखिए जो ऑरेंज पील्स हमारे बचे होते हैं उसको आपको किसी भी छन्नी के ऊपर या फिर कोई भी वायर रैक है उसके ऊपर आपको रख लेना है। अभी फ्रेंड्स जो वायर रैक पे मैं रख रही हूँ ना ये अवन में भी यूज़ होती है। अब फ्रेंड्स ये रखते हुए मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ, जो ट्रेडिशनल तरीका होता है उसमें क्या करते हैं कि अभी जो ये ऑरेंज के कैंडीड ऑरेंज पील्स बने हुए हैं इनको ना आपको कम से कम 5 घंटे के लिए 6 घंटे के लिए सुखाना होता है, मतलब ऐसे ही रख के छोड़ देना होता है रूम टेम्परेचर पे, ये अपने आप ही जो इसका मॉइस्चर है वो सारा चला जाता है। लेकिन फ्रेंड्स इतने घंटे का टाइम मतलब इतना ज़्यादा वेट तो नहीं करना हमें, मैंने कहा था आपको मिनटों में बनाऊँगी। और इसीलिए फ्रेंड्स मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, मतलब जुगाड़ू वाला तरीका, सबसे पहले तो अवन वाली ट्रे पे मैंने ये सारे रख लिए ऑरेंज पील्स, उसके बाद हम अवन में इसको केवल 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए डाल देंगे और ये रेडी हो जाएगा। कैसे फ्रेंड्स, 160 डिग्री पे बोथ द रॉड्स ऑन फैन ऑन मोड पे मैंने अवन को प्रीहीट कर लिया था 10 मिनट के लिए। अब सेंटर वाली रैक पे मैं इसको रख दे रही हूँ अवन के, और केवल मैं 10 से 12 मिनट के लिए इसको बेक करूँगी। फ्रेंड्स 10 मिनट के बाद आपको चेक करना है, टाइम 10 से 15 मिनट के बीच लगता है इनको परफेक्टली ड्राई होने में। अगर आपके पास में एयर फ्रायर है तो उसमें भी 160 डिग्री पे 10 मिनट के लिए आप इसे एयर फ्राई करके देखिएगा। अब जितनी देर फ्रेंड्स ये अवन में पड़े हुए हैं उतनी देर में मैंने बहुत थोड़ी सी चीनी ली है, मुश्किल से 2 मुट्ठी चीनी लगेगी आपको, ये ले करके आप ग्राइंडर में इसे कोर्स ग्राइंड कर लीजिए, मतलब दरदरा सा ग्राइंड कर लीजिए और एक प्लेट में डाल करके रख लीजिए। अभी फ्रेंड्स 12 मिनट हुए होंगे और मुझे बिल्कुल रेडी लग रहा है। ये देखिए जितना भी एक्सेस चाशनी थी वो पूरी नीचे टपक गई है और अभी मैं आपको ये उठा करके दिखा रही हूँ ऑरेंज स्ट्रिप, ये देखिए कितना शाइनी है और ये बिल्कुल स्टिकी नहीं है, मतलब ये चिपक नहीं रहा है अभी। तो हो क्या गया है कि ये अच्छे से सूख गए हैं। ये देखिए 5 घंटे का काम ना 10 मिनट में हो गया फ्रेंड्स। तो अभी ये हम इसे 5 मिनट और दे देंगे ठंडा होने के लिए प्रॉपरली, और उसके बाद ये देखिए लेकर के हमने इसको प्लेट में निकाल के रख दिया है और ये फ्रेंड्स परफेक्टली रेडी हो चुके हैं। आप चाहो तो ऐसे ही खा सकते हो, लेकिन जो मार्केट में मिलते हैं ना वो शुगर कोटेड मिलते हैं, लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है कि इनमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर ना हो। ये देखिए बहुत ज़्यादा मॉइस्चर इनमें नहीं है, एट द सेम टाइम इन्हें बिल्कुल सूखा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कम्पट की तरह हो गया ऐसा भी नहीं होना। और अभी इनको जो चीनी हमने दरदरी पीस के रखी थी उससे कोट कर लेना है और कोट कर करके रखते जाना है एक अलग प्लेट में। जी हाँ फ्रेंड्स, देखा ना आपने कितनी आसान प्रोसेस है, मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए इतना टाइम लगा मुझे वीडियो में दिखाने में। आप करके देखना फ्रेंड्स, इतनी जल्दी तैयार हो जाते हैं ना आपको पता भी नहीं चलेगा, मिनटों में रेडी हो जाएंगे और इतने टेस्टी लगते हैं। इनको आप केक में डाल करके खा सकते हो, प्लम केक्स में स्पेशली पड़ते हैं ये, और इसे आप एज इट इज ही खा सकते हो, पुडिंग्स में इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब मल्टीपल यूसेजेस हैं इसके फ्रेंड्स। ऑरेंज के छिलकों से हमारी ऑरेंज कैंडी या कैंडिड ऑरेंज पील्स बन करके रेडी हो चुके हैं। मैं आपको इन्हें तोड़ करके दिखा रही हूँ, लुक एट द टेक्सचर, मॉइस्ट भी है, सूखा भी हुआ है, बिल्कुल बढ़िया कैंडी वाला इसका लुक एंड टेस्ट आया। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मुझे मतलब खाने का मन हो गया, तो मैंने खा ही लिया है, टेस्ट कर लिया है, बहुत ही अच्छा बना है। इसको आप बना करके किसी भी एयर टाइट कंटेनर में महीने भर या उससे भी ज़्यादा के लिए रख सकते हो, जस्ट दैट मॉइस्चर ना टच कराइएगा। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना इसको बनाना। पसंद आई हो रेसिपी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी कुकिंग।